दिसंबर की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल गया है। नवंबर में पड़ी सुबह शाम की ठंड के बाद दिसंबर में अचानक पारा बदला और ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश और ठंडी हवाओं के बीच गलन भी शुरू हो गई है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में कपकपाने वाली ठंड के बीच ये जानना जरूरी है भारत की वे कौन सी जगह हैं जहां हर साल दिसंबर से फरवरी तक रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ती है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में लोग जीवन जीने को मजबूर होते हैं। लद्दाख। हिमालय की पर्वतमाला के बीच बसे लद्दाख में करीब 2,70,000 लोग तिब्बती संस्कृति को मानते हैं। जनवरी के मौसम में यहां का औसत तापमान लगभग -12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उच्चतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां केवल गर्मी के मौसम में ही जाना सही रहता है। सर्दियों में भारी स्नोफॉल और माइनस में टेम्परेचर किसी के लिए भी मुसीबत बन सकता है। लाचेन और थांगू घाटी। सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित लाचेन और थांगू घाटी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का जनवरी में औसत तापमान -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ होने वाला भारी स्नोफॉल घाटी में हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी का गवाह बनता है। इसके अलावा यहाँ पूरे साल तापमान करीब 0 डिग्री पर रहता है। तवांग। अरुणाचल प्रदेश का तवांग भी भारत की सबसे ठंडी जगहों में शुमार है। टूरिस्ट के बीच ये जगह काफी फेमस भी है। सर्दी के मौसम में होने वाली भारी स्नोफॉल और हिमस्खलन के चलते इस ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिना जाता है। ये भारत की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है। सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सियाचिन ग्लेशियर। भारत की सबसे ठंडी जगह का टाइटल सियाचिन ग्लेशियर के पास है। करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस जगह का तापमान जनवरी में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारत पाकिस्तान के कई सैनिक इस जानलेवा ठंड से सामना करते हुए यहां पर तैनात रहते हैं। यहां की विपरीत परिस्थितियों में अब तक हजारों सैनिक जान गंवा चुके हैं। सेला पास। धरती का ये बर्फीला स्वर्ग आइस बॉक्स ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। समुद्र तल से करीब 4,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेला पास करीब करीब पूरे साल बर्फ की एक पतली सी चादर ओढ़े रहता है। साल भर ये पर्वतमाला ठंडी हवाओं और हिमस्खलन से टकराती है। इस जगह का तापमान करीब -15 डिग्री तक चला जाता है। कीलोंग। हिमाचल प्रदेश का कीलोंग लेह मेन रोड पर करीब 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस जगह का तापमान बहुत कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन -5 डिग्री तक गिर जाता है। बाइक राइडर्स और कई खास कोल्ड डेस्टिनेशन का दीदार करने वालों के लिए ये जगह काफी शानदार है। ये जगह मनाली, काजा और लेह जैसे कई अन्य टूरिस्ट स्पॉट से भी जुड़ी हुई है। सोनमर्ग। सोनमर्ग एक बेहतरीन समर डेस्टिनेशन मानी जाती है, हालांकि सर्दियों में इस जगह ठंड काफी बढ़ जाती है। सोनमर्ग का तापमान करीब -6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। सोनमर्ग बर्फ से ढके कई पहाड़ों और बर्फीली झीलों से घिरा हुआ है। ये कश्मीर की उन जगहों में शुमार है जहाँ पूरे साल टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। मनाली। मनाली भी भारत की एक खूबसूरत और लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लुहावने दृश्य और मजेदार एक्टिविटीज की वजह से इस जगह की खासियत बनी हुई है। गर्मियों के दिनों में ये जगह गर्म ही रहती है, लेकिन सर्दियां आते ही यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मनाली नेचर से प्यार करने वाले लोगों को काफी पसंद आता है। हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग का शौक रखने वाले यहाँ पर जरूर आते हैं। मुनस्यारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी नेचर से प्यार करने वालों के लिए खास जगह है। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा और शुष्क रहता है और तापमान करीब -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति, बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फीली झीलें मुनस्यारी की पहचान बन गई है। करगिल। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए करगिल युद्ध के अलावा ये जगह सबसे ठंडे इलाके के रूप में भी पहचानी जाती है। श्रीनगर लेह हाईवे पर 3,325 मीटर की ऊंचाई पर स्थित करगिल भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। सर्दी के मौसम में इस जगह का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ रिहायशी इलाके कम है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।